4 जुलाई को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर रोडवेज की बरेली जिले की 650 बसों का चक्का जाम किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया। रविंद्र जी बताएं, क्या तैयारियां हैं आपकी रोडवेज बसों के चक्का जाम को लेकर 4 जुलाई की रात? रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय आह्वान को सफल बनाने के लिए अभी हमने विगत दिनों में एक व्यापक अपनी मीटिंग करके अपने तमाम साथियों को तैयार करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके लिए हम अग्रिम रणनीति के तहत रविवार को भी एक आवश्यक बैठक बुला रहे हैं और हमारे तमाम साथी इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और वो हर कर्मचारियों के मध्य संपर्क में रहते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, हर वर्कर चाहे अन्य संगठन के नाम से भी वो कहीं दूसरे संगठन भी परिवहन निगम में चलते हों, उन कर्मचारियों का भी आज भरोसा है कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद मात्र एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से ही परिवहन निगम के तमाम कर्मचारियों की समस्याओं का निदान हो सकेगा। इसलिए वो सब भी अंदरूनी तौर से हमारे प्रमुख मांगे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ अभी राज्य कर्मचारी की भांति हमें नहीं दिया गया है, जबकि 17 निगमों को अन्य निगमों में इस चीज का लाभ कर्मचारियों को दिया जा चुका है। परिवहन निगम के कर्मचारियों को ACP का लाभ मिल रहा था, बीच में ही सरकार के आदेश के अंतर्गत परिवहन निगम के कर्मचारियों को AC के लाभ से वंचित कर दिया गया है। तमाम हमारे बीच में संविदा के चालक परिचालक साथी हमारे बीच में काम करते हैं, उनको बहुत न्यूनतम दरों के आधार पर उनसे कार्य ले जाता है जबकि वो अथक परिश्रम करते हैं। हमारी मजबूत मांग है कि उनके पारिश्रमिक दरों में उचित वृद्धि की जाए और जैसा कि हमने 17,000 का एक पूर्व में समझौता कराया था विगत आंदोलन के माध्यम से, तो उसकी जो सेवा शर्तें हैं निगम ने बना रखी वो बहुत जटिल हैं, उनको हम शिथिल और सरल कराने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि तमाम कर्मचारी साथियों को 17,000 और जो द्वयम दर्जे के साथी हैं जो उनसे कुछ कम काम कर पाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है उनको न्यूनतम 14,000 का भुगतान प्रति माह मिले और ये वेतन फिक्स होना चाहिए उनका। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है संविदा के साथियों के लिए। रोडवेज के अन्य संगठन भी आपके साथ हैं? रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अन्य संगठन सीधे सीधे हमारे आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का चाहे वो संविदा का साथी हो चाहे परिवहन निगम के नियमित साथी हो, तमाम कर्मचारी साथी हमारे साथ सीधे सीधे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। और वैसे भी रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद स्वयं में एक सबसे वृद्ध संगठन है जिसके साथ सीधे सीधे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का कर्मचारी सीधे परिषद के साथ अपने आप में ही जुड़ा हुआ है।